हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं वह है एक जंगली अंगूर है। जंगली अंगूर का तकरीबन हम पंचांग का प्रयोग कर लेते हैं। मंजरियों के रूप में इसमें फल लगते हैं, तो फल का, मंजरियों का, पत्तियों, कोपल पत्तियों का और जड़ का प्रयोग कर लेते हैं मित्रों, ठीक है। और वस्तुतः ये अंगूर जो होता है इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि द्राक्षा अंगूर, इंग्लिश में इसे ग्रेप बोलते हैं, और कहीं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वह है बिटिस वेनिफेरा, एक घरेलू अंगूर का है। और यह जंगली अंगूर में बिटिस एस्टिवेलिस या बिटिस वल्पिना के नाम से अलग अलग वनस्पतियां हैं। तकरीबन यह 20 प्रकार का होता है मित्रों, ठीक है। परंतु इसकी फैमिली जो है बिटिस फैमिली से पाया जाता है, ठीक है। और इसका स्वाद जो होता है मधुर और कषाय होता है। इसका इसमें जो औषधि गुण के साथ साथ जो प्राकृतिक तत्व तो पाए जाते हैं वह हैं जैसे कि टर्पेनाइड्स, फैलोनिक्स, कार्बोटेट्स, शर्करा, मौलिक अम्ल, प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल, वसा, सोडियम, आयरन, कॉपर, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट जैसे प्रमुख रूप से जो तत्व इसमें पाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। और इसका जो औषधि प्रयोग करते हैं वो किन किन रोगों में करते हैं, जैसे कि ज्वर रोग, श्वास रोग, कमला, यूरिन दोष, शूल दर्द, दर्द संबंधित रोगों में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं ब्लड प्रेशर के रोग में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों। फिर पेट दर्द में, और कहीं कहीं पित्त विकार, रक्तपित्त के जो दोष होते हैं उन रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ पुष्ट बनाने में भी इसका औषधि प्रयोग करते हैं। अब वीडियो के माध्यम से दिया हुआ जो कंद है वो कंद का प्रयोग मानसिक अवसाद रोग और गंभीर से गंभीर गठिया, साइटिका, जोड़ों के जैसे रोगों को में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।